जिम्बाब्वे और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे अंडर 19 विश्व कप 2024 के 38वें मुकाबले के दौरान हुआ बड़ा विवाद। जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों द्वारा स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की उड़ाई गई धज्जियां। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड के हमजा शेख हुए इतने अजीबोगरीब तरीके से आउट कि आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल इंग्लैंड की बल्लेबाजी के 17वें ओवर के दौरान यह रियान सिंह की ओवर की चौथी गेंद को जब हमजा शेख ने डिफेंड किया तो गेंद उनके बल्ले से जाकर सीधे पैर पर लगी और जब गेंद उनके पैर के पास जाकर रुक गई तो कुछ देर बाद हमजा शेख ने यह गेंद विकेट कीपर को देनी चाही, जिसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों ने हैंडिंग द बॉल आउट की अपील की और जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों द्वारा अपील सुनकर तो हमजा शेख तो हैरान रह गए और इसके बाद दोनों अंपायर ने आपस में बातचीत कर इसका रिप्ले देखना चाहा। और दोस्तों आप भी ध्यान से देखिएगा यह रिप्ले, जब गेंद को डिफेंस किया गया तो गेंद हमजा शेख के पैर के पास आकर रुक गई और काफी देर बाद हमजा शेख ने जब गेंद को पड़े देखा तो उन्होंने विकेट कीपर को देना चाहा। अब यहां पर तो कोई ऐसा भी केस नहीं कि हमजा शेख ने गेंद को विकेट पे लगने से रोका हो, लेकिन इसके बावजूद हमजा शेख को यहाँ पर आउट दिया गया और जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों द्वारा स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की बहुत ही शानदार तरीके से धज्जियां उड़ाई गई।